नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों मैं हूं ज़ीशान आरिफ, आप देख रहे हैं अपने और हमारे इस YouTube चैनल ज़ीशान मॉनिटर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं रोज़ाना की तरह आपके लिए आज भी एक नया वीडियो लाया हूं। इस वीडियो में मैंने आपको बताया हूं कि किस तरह आप खुद से अपने कंप्यूटर से या लैपटॉप से फोटोशॉप में पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो परफेक्ट प्रिंट कैसे कर पाएंगे, परफेक्ट साइज कैसे देंगे, कैसे उसकी क्वालिटी बनाएंगे, कैसे क्या करना है, फ़ोटो जो सब बनता है मतलब पासपोर्ट साइज का फ़ोटो जो बनता है वो कैसे बनता है, पूरी चीज़ आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैंने आपको क्रॉपिंग से लेकर फ्रेम तक भी देने का पूरा प्रक्रिया मैंने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश की। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, हमारे पुराने वीडियो देख लीजिए जहाँ मैंने बताया हूँ कि खुद का KBC मतलब कौन बनेंगे करोड़पति, उस टाइप का एप्लीकेशन खुद का आप फ्री में कैसे बना सकते हैं, फ्री में बना के आप प्ले स्टोर पर डाल सकते हैं जो कि आप उससे अच्छा खासा अर्निंग भी कर सकते हैं। और यहाँ मैंने आपको बताया CSC सेंटर कैसे लेंगे फ्री में, और बहुत सारे मैं आपके लिए यहाँ पर वीडियो बना दिया हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो के मेन मुद्दे पर आते हैं, किस तरह पासपोर्ट साइज का एक फोटो बनाते। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रही है हमारे पास एक फोटो है, जिसके पास ये फोटो तो फुल है, बल्कि आपको फुल फोटो नहीं खींचना, जिसका फोटो निकलना फुल फोटो नहीं खींचना है बल्कि कमर से ऊपर। ठीक है, कमर से ऊपर फोटो, इतना फोटो आपको खींचना। ठीक है, इतना साइज का फोटो आपको क्लिक करना है मतलब कैप्चर करना है अपने मोबाइल या कैमरा से। ठीक है, जो आपको पास हो तो कैमरा से कीजिएगा, अगर कैमरा है तो अच्छी बात, कैमरा से कीजिए और आपकी क्वालिटी जो तो अच्छी है। यह देखिए फोटो की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, मैं यहाँ पे इसको फोटो को बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो अब देखिए ये फोटो को हम फोटोशॉप में क्लिक करेंगे, यहाँ पर ओपन पर क्लिक कर लेंगे, यहाँ पर एडोब फोटोशॉप को ओपन कर लेंगे। ठीक है, एडोब फोटोशॉप पर क्लिक करेंगे, ये देखिए हमारा फोटो जो है हमारी फोटोशॉप में ओपन हो चुका है। ठीक है, ये फुल फोटो है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया फुल फोटो आपको नहीं क्लिक करना है। ठीक है, सबसे पहले फोटो को कुछ करने से पहले सबसे पहले फोटो को क्रॉप करना है। क्रॉप करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं क्रॉपिंग आइकन, क्रॉपिंग आइकन पर क्लिक करेंगे, क्रॉपिंग आइकन क्लिक करें, यहाँ पर आपको जो देख रहा है यहाँ पर हाइट साइज वगैरह देना है, तो इसमें आपको 1.3 दे देना है और इसमें 1.6। ठीक है, साइज जो भी पासपोर्ट साइज का फ़ोटो का साइज होता है वो 1.3 और 1.6, ये एक परफेक्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटो का साइज हुआ है। क्रॉपिंग को सेलेक्ट करने के बाद ये साइज आपको दे देना है 1.3 1.6। उसके बाद जो हम इसमें क्लिक करेंगे तो आप जो ये साइज मिलेगा तो उतना ही लेगा 1.3 1.6। ठीक है, तो अब हम इसको एक्स्ट्रा क्रॉप कर लेंगे, अब यहाँ से जो इसका साइज होगा तो उतना ही कटेगा। ठीक है, 1.3 1.6 के इस साइज में ही यहाँ से इमेज अब कटेगा हमारा। ठीक है, तो ये देख लीजिए इस तरह का यहाँ पे जो मैंने साइज सेलेक्ट किया था उसी साइज का यहाँ पे आपको कटेगा ये। ठीक है, साइज यहाँ पे कुछ नहीं कटेगा, जो साइज आपने दे वही साइज का यहाँ पे आपका फोटो क्रॉप होगा। क्रॉप होने के बाद फोटो को जो कुछ इस तरह का यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, फोटो कैप्चर करते वक्त पीछे का जो बैकग्राउंड रखेगा वो एक कलर का बैकग्राउंड रखेगा और ऐसा कलर दीजिएगा जो कलर का कपड़ा वो बंदा ना पहना हो। ठीक है, आप देखे होंगे स्टूडियो में ऐसा कलर का कपड़ा बैकग्राउंड रहता है जो कलर का कपड़ा कोई पहनता ही नहीं। ठीक है, तो बैकग्राउंड में ऐसा कपड़ा दे जो कपड़ा एक कलर का हो और उस कलर का कपड़ा वो बंदा ना पहना हो जिसका आप फोटो क्लिक करें। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा इमेज जो है वो क्रॉप हो चुका है। ठीक है, क्रॉप होने के बाद अब करना क्या, सबसे पहले आपको अपना ये जो बैकग्राउंड अगर बदलना चाहते हैं तो बैकग्राउंड बदल सकते हैं, बैकग्राउंड बदलने के आप पेन टूल की मदद से बदल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पेन इससे भी कर सकते हैं, लेकिन इससे मैं आसान तरीका आपको मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए बैकग्राउंड बदलने के पेन टूल से भी आप बदल सकते हैं, उससे भी आसान तरीका आप सिर्फ कीवर्ड में W प्रेस करेंगे, W प्रेस जैसे करेंगे तो आपका मैजिक टूल जो वो सेलेक्ट हो जाएगा। मैजिक टूल सेलेक्ट होने के बाद ऊपर में आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ये ऑप्शन देख पा रहे हैं, इसमें आपको दो नंबर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, दो नंबर वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी फोटो का बैकग्राउंड है फोटो को बैकग्राउंड पर क्लिक करना है। जैसे आप फोटो को बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आप फोटो में कुछ इस तरह का सेलेक्ट हो चुका है, उसके बाद जहाँ पर सेलेक्ट नहीं हुआ वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका ये पूरा फोटो के पूरे बैकग्राउंड में सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और
अगर बैकग्राउंड सेलेक्ट करने में तो यहाँ पे देख लीजिए इसका जो हेयर है बाल है तो यहाँ पे देखिए बाल में भी कुछ इस तरह सेलेक्ट हो चुका है। तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं, सिंपली सा ये वाले टूल को सिलेक्ट करेंगे, ये टूल फर्स्ट नंबर में जो टूल और गोल वाले टूल को सिलेक्ट कर लेंगे और शिफ्ट के साथ इसको इस तरह को इस तरह मिला देंगे ये बाल में रेड हेयर में, ठीक है। तो जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट वाले टूल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद शिफ्ट के साथ शिफ्ट दबाए रहना है, उसके बाद कुछ इस तरह आपको अपने बाल को इस तरह मिला लेना है, ठीक है। जो भी उठा हुआ बाल है उसको इस तरह आपको मिला लेना है, तो देख लीजिए मैं जो बाल खड़ा था उस बाल को मैं यहाँ से क्रॉप कर दिया हूँ, काट दिया हूँ इस तरह, उसको मैं सिलेक्ट नहीं किया हूँ। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का, अब जो हम फोटो देख लेते हैं थोड़ा सा, देखिए फोटो परफेक्ट फोटो सेलेक्ट है। अब इसकी हम बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे, बैकग्राउंड चेंज करेंगे, उसके लिए यहाँ पर ये आइकन देख रहे हैं, ये वाले आइकन ये वाले आइकन देख रहे हैं, ये आइकन ये वाले देख लीजिए अच्छे से आप, ताकि आपको दिक्कत ना आए। इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे कलर वाली इस आइकन पे क्लिक करेंगे, ऊपर में जो खुल रहा है इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला आइकन ले लेना है, देख लीजिए अच्छा से ये वाला, जिसमें पीला ब्लू वाइट वगैरह ये वाला आइकन को सेलेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस यहाँ पर आपको दिखने को मिल जाएगा। आपको इसको पकड़ के ला कर इस साइड में कर देना है और इसको भी ला कर आपको इसको साइड में कर देना है, इसको भी ला कर इस साइड में कर देना है, ठीक है। जो भी यहाँ पे है, जो भी ये आपको है, सभी को अंदर कर दें, इस तरह अंदर कर देंगे, ठीक, जैसा कि देख पा रहे हैं। देखिए इस तरह आएगा, इस तरह आने के बाद आपको पूरी तरह अंदर कर देना, ये सबको अंदर कर देना, एक को भी बाहर नहीं रखना, इस तरह। जब इस तरह हो जाएगा उसके ओके बटन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देखिए कलर इस तरह हो गया। उसके बाद यहाँ पर फोटो के ऊपर से लेंगे, ये देखिए फोटो के ऊपर, फोटो के ऊपर माउस को रखना है और दबा के बीचम बीच दबा के नीचे ले जाना है, बीचम बीच दबाए नीचे ले जाना है, जिस तरह आप देख पा रहे हैं मैंने दबाए ऊपर से लेके नीचे लेके आया। उसके बाद अब हम इस माउस को छोड़ देंगे, देखिए मैंने माउस को छोड़ दिया। अब जो इसका बैकग्राउंड किस तरह चेंज हो चुका है, जो कि बैकग्राउंड का कलर है, तो ये जो स्टूडियो वाला कलर होता है बैकग्राउंड, वो कलर आपको यहाँ पर दिखने को मिल जाएगा, ठीक है। फोटो का जो साइज भी दे दिए हैं, बैकग्राउंड भी चेंज कर दिया। अब फोटो में लाइट देना है, फोटो में लाइट देने के लिए कंट्रोल एम एम प्रेस करेंगे, कंट्रोल एम प्रेस करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको अपने हिसाब से जितना लाइट देना चाहिए तो लाइट ऊपर कर लीजिए, ठीक है, इस तरह लाइट ऊपर कर लेंगे। और लाइट देने देंगे ऊपर, उसके बाद यहाँ पे इमेज है, इमेज पे क्लिक करेंगे, एडजस्टमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कलर बैलेंस, कलर बैलेंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से भी अपने फोटो में कुछ सभी को कर लेंगे इस तरह, ठीक है। इस तरह करने के बाद यह फोटो जो हमारा परफेक्ट फोटो बन चुका है। अब जो हम इसमें और चीज यहाँ पे इमेज पे जाएंगे, एडजस्टमेंट पे जाएंगे और यहाँ पे आपको ब्राइटनेस पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ से भी आप फोटो की ब्राइटनेस दे सकते हैं, अच्छी रहेगी, फोटो आपका साफ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए फोटो में लाइट भी दे दी, फोटो साफ भी हो चुका है, ठीक है। तो देखिए इस तरह का आप बैकग्राउंड लगा सकते हैं। मैं अभी बैकग्राउंड को चेंज कर देता हूँ, मैं बैकग्राउंड को अभी चेंज करके भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लग फोटो आपका जो साइज उस साइज में क्रॉप हो चुका है, फोटो में लाइट दे चुके हैं, बैकग्राउंड चेंज कर चुके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो मतलब फ्रेम होता है, फोटो में फ्रेम लगाना चाहते हैं, फोटो में फ्रेम लगाने के लिए आपको फर्स्ट वाले टूल, ये टूल जो देख रहे हैं, जो टूल फर्स्ट नंबर में, इस टूल को जिसको आप एम प्रेस करेंगे, एम कीबोर्ड में एम दबाएंगे तो ये टूल आपको फर्स्ट वाले टूल सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फोटो को चारों तरफ से इस तरह सेलेक्ट कर लेंगे, जिस तरह देख पा रहे हैं चारों तरफ से फोटो सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद माउस को राइट साइड क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे स्ट्रोक, इस पर क्लिक करेंगे स्ट्रोक पे, उसके बाद यहाँ पे जो जो भी आप मतलब फ्रेम का कलर लेना चाहते वो कलर इस पर सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे मैं लाल ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ओके कर देंगे, यहाँ पे आपको एक दो कितना मोटाइज रखना है फ्रेम की वो दे देंगे, मैं तीन देता हूँ। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए फोटो के चारों ओर एक लाल कलर का
जो है फ्रेम लग चुका है। इस फ्रेम को आप चाहे तो वहाँ तो अब देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड की जो मोटाई इसको चेंज कर लेंगे। फिर से हम एम सेलेक्ट करेंगे। एम सेलेक्ट करने के बाद फर्स्ट टूल ये टूल जो है सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर से हम इस तरह सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो इसकी मोटाइज को हम यहाँ पे 5 कर लेंगे। ठीक है, अब ये हो गया, इस तरह का हमारा इमेज बन चुका है। आप इसको फ्रेम को चेंज भी कर सकते हैं। फ्रेम को चेंज कर सकते हैं अदर तरीके से। मैं आपको अदर तरीके से बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में किस तरह आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो एक फ़ोटो मैंने कंप्लीट कर लिया है जिसका मैंने बैकग्राउंड भी चेंज कर दिया, ताकि मैं वो बैकग्राउंड मैं नहीं प्रिंट करने वाला था, मुझे ये बैकग्राउंड अच्छा लगा तो मैं ये बैकग्राउंड चेंज कर दिया हूँ। और यहाँ पे बैकग्राउंड में जो मैंने जो लगाया है, देख लीजिए आप, बैकग्राउंड के बाद ये फ्रेम जो मैंने लगाई इस तरह का फ्रेम जो कि अभी पॉपुलर फॉर्म फ्रेम है, पॉपुलर फ्रेम है। ये फ्रेम अगर किस तरह लगाते हैं ये जानकारी चाहिए तो आपको मैं अदर वीडियो में दूंगा। अगर चाहिए तो आपको कमेंट करना होगा, कमेंट कीजिएगा तभी मैं बना कर दूंगा किस तरह इस तरह का फ्रेम लगाता है। अगर नहीं कीजिएगा कमेंट मैं नहीं बनाऊंगा। ठीक है, क्योंकि आप जब पूछेंगे हमसे तभी तो मैं आपको बताऊंगा। इसलिए अगर आपको इस तरह का फ्रेम लगाना है आपके अपने फोटो में तो आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सीख गया। अब देखिए मैं एक चीज़ और बता दूँ, कोई पतला होता है तो वो कहता है क्या कि मुझे मोटा कर दो फोटो में, तो वो कैसे कर पाएंगे, जिस तरह ये फोटो है। ठीक है, फोटो अब इस फोटो को मोटाइज करना है तो यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे फिल्टर में आना है। फिल्टर में आना है या शिफ्ट के साथ शिफ्ट कंट्रोल एक्स, या फिल्टर में आएंगे तो यहाँ पे ये वाले ऑप्शन जो है इस पर क्लिक करेंगे, या आप कंट्रोल शिफ्ट एक्स सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह का एक नया विंडोज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे, जैसे कि ये देख ले, इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये देख लीजिए, इसमें आपको टेरा वगैरह कर सकते, किसी का आँख टेरा है तो उसको सीधा वगैरह इस टाइप का आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये वाला इसको आप इस तरह सही कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे एक ये वाले ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जहाँ पे आपको यहाँ पे मतलब कोई चीज़ उठा हुआ, मतलब कि चेहरा में अगर नाक किसी का लंबा है तो नाक को भी आप इससे कम करते हैं, यानी नीचे दबा सकते हैं। और इससे जो इस पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन पे, तो इससे क्या होगा, आप किसी के बदन जहाँ पे भी मोटाइज बढ़ाना है उस पर क्लिक करेंगे। जैसे देख लीजिए मैं बदन के इस जिस हिस्से में मोटाई बढ़ाना चाहता हूँ उस हिस्से पर सेलेक्ट करके यहाँ उस हिस्से को क्लिक कर दूँगा। ठीक है, जैसे मैं बदन को भी करना चाहता हूँ, बदन को यहाँ पे देख लीजिए, बदन आपको जूम करके मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए जूम करके दिखा देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। ये देखिए बदन है, बदन की मोटाइज मैं यहाँ करूँगा, यहाँ देखिए देख लीजिए किस तरह मोटाइज बदन का मोटाइज बढ़ रहा है, देख लीजिए। ठीक है, इस तरह आप बदन की मोटाइज भी कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, जितना चाहे जो करना चाहे आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलता है, इसी तरह आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। मतलब फ़ोटो, कोई फ़ोटो ख़राब है या फ़ोटो में कोई चीज़ लंबा है या कोई चीज़ पतला है उसको मोटा करना है तो इस टूल से आप यहाँ से फ़ोटो में कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ओके कर देंगे। ठीक है, ओके कर देना, वो आपका फ़ोटो जो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूं, अगर आपका फ़ोटो मतलब कि रोटेज है, मतलब आपका फ़ोटो उल्टा है, कुछ इस तरह का आपका फ़ोटो है जो ओरिजिनल फ़ोटो वही उल्टा है कुछ इस तरह का, तो आप उस तरह का फ़ोटो को कैसे सीधा कर पाएंगे, उसके लिए आप फोटोशॉप में इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे इमेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ ऊपर में देखो इमेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे रोटेज पे क्लिक करेंगे, रोटेज। उसके बाद यहाँ पे डिग्री जो है 180 90 भी जो भी है वो सिलेक्ट कर लेंगे तो आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आपके बदन पे कोई भी धब्बा रहेगा, ठीक है, कोई भी धब्बा मतलब कोई भी दाग, तो मान लीजिए हमारे बदन पे एक मैं दाग देता हूँ, मैं आपको दिखाने के लिए एक बदन पे देख लीजिए,
ये बदन पे एक लाल है धब्बा है, ठीक है, इसको हम हटाने हटाने के लिए अब ये हटाएंगे तो ये जो अदर कलर है वही रंग देना है। उसके लिए ये वाले ये जो है इसको सिलेक्ट करेंगे ये टूल को, उसके बाद बगल वाले हिस्से को यहाँ पे उसका कलर लेंगे, उसके बाद फिर से ये इस टूल पे आएंगे। देख लीजिए टूल्स को देखते जाइए, अब टूल्स को देखते जाइए कौन कौन मैं टूल्स यूज कर रहा हूँ। यहाँ ब्रश टूल को सिलेक्ट करेंगे और फिर से उस वहाँ पे आकर करना जहाँ पे हमको, ठीक है, तो यहाँ पे मिटा देंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है डिफरेंस ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पे आपको इसको कम करके मिटाना है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ कम करके आपको मिटाना ताकि पता न चले। देखिए अब पता नहीं चल रहा है, ठीक है। इस तरह आप एक अपने खुद से एक नॉर्मल फ़ोटो को आप पासपोर्ट साइज फ़ोटो में प्रिंट कर सकते हैं। परफेक्ट साइज़ देखे, परफेक्ट क्वालिटी देखे, परफेक्ट फ्रेम देकर आप कर सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में यहीं तक। अगर फोटोशॉप के और कोई जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुँचे। वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।